हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल और मेरे किचन यानी किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेदू वड़ा। ये जो मेदू वड़ा है हम रवे से बनाएंगे, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को तो ये मेदू वड़े की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और इसमें मैंने मेदू वड़ा बनाने की एक स्पेशल ट्रिक शेयर की है आपसे, तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए आज की रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। सूजी या रवा के मेदू वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप रवा। तो यहाँ पे मैंने बारीक रवा यूज़ किया है और मैंने इस मेजरिंग कप से इसे मेजर कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी कटोरी या कप से इसे मेजर कर सकते हैं। और यही मैं डाल दूंगी 1 कप दही। तो यहाँ मैंने डाल दिया ये आधा कप और ये दूसरा आधा कप। तो यहाँ मैंने टोटल 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। आप जितनी सूजी यूज़ करें उससे आधे क्वान्टिटी में हमें दही का इस्तेमाल करना है। इसे मिक्स कर दे। ये देखिए बहुत गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। फिर भी अभी ये बैटर थोड़ा गाढ़ा ही है तो इसमें और मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और इसे मिक्स करके हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे एक बार और इसे हमें ढककर रख के 30 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमारा रवा है वो बहुत अच्छे तरह से फूल जाए। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारी सूजी या रवा है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार है। आप जितने ज़्यादा समय तक इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे आपके वड़े जो है उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। याद रहे कि हम इसमें बेकिंग सोडा डालने वाले हैं, तो सोडा डालने के बाद ये जो बैटर है और ज़्यादा पतला होगा, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट करें। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका बैटर जितना अच्छा होगा उतने ही परफेक्ट आपके वड़े बनेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। इस बैटर में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये धनिया पत्ता, 1 बारीक कटा हुआ प्याज जिसे मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया था, और 1 मीडियम साइज़ का गाजर, इसे भी मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया था। और यहीं डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। यहीं डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा, आप जो भी इसे कहे। सोडा की जगह आप यहाँ पे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला दें इस बैटर को अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है ये पूरी तरह से तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली नहीं रखनी है हमें। देखिए इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। अगर आप इससे पतला बैटर बनाएंगे तो आपके वड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और 1 कटोरी के बैक साइड में मैं यहाँ पे पानी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ये बैटर। तो ये बैटर डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच बैटर डाल दिया है। इसे हमें पानी के मदद से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे हम और ये सेंटर में इस तरह से होल बना लेंगे। तो ये परफेक्टली मेदू वड़ा शेप आ गया है हमारा और इसे हम ये तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है अभी। आप लो फ्लेम पे या लो मीडियम फ्लेम पे इसे तल सकते हैं। फिर से मैंने ये प्रोसीजर रिपीट की है, इसे पानी से ग्रीस करके इस पे ये बैटर डाल दिया है। इस बैटर को आप थोड़ा सा स्मूथ कर ले थोड़ा सा पानी लगा के। ये बैटर जो है वो बहुत स्टिकी होता है, आपके हाथ में चिपकेगा, तो पानी की मदद से आप इसे स्मूथ कर ले, सेंटर में इस तरह से होल बना दे और यहीं डाल देंगे ये दूसरा वड़ा भी हमारा। और इसे अब हम लो फ्लेम पे या लो मीडियम फ्लेम पे इसे तल लेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे तो आपके जो वड़े हैं वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से वो पूरी तरह से कच्चे रहेंगे। तो ये मैंने इस तरह से स्ट्रेनर पे निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल पे निकाल लें इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन करने के लिए। फिर से एक बार मैं आपको ये प्रोसीजर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कटोरी को किया पानी से ग्रीस, इसमें डाल देंगे हम बैटर। तो ये बैटर डाल दिया मैंने और इसे कर देंगे स्मूथ पानी से। तो वड़े बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि हम जो ये बैटर को है पानी से स्मूथ करते हैं,
तो पानी जब तेल के कांटेक्ट में आएगा तो उसके छींटे आते हैं बहुत, तो बहुत ही सावधानी रखे वड़े तेल में डालते समय। और इसे सेंटर में होल कर दिया और ये दूसरा वड़ा भी हमने डाल दिया है तेल में। तो इस तरह से हम ये वड़े के ऊपर तेल डाल देंगे ताकि इसके जो ऊपर का टेक्सचर है वो सेट हो जाए और पलटते समय ये पैन या कड़छी पे चिपके ना। तो ये देखिए, इस वड़े को हम लो फ्लेम पे ही तलेंगे। आप चाहे तो फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं और इसे इस तरह से पलट पलट के हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे वड़े जो है वो काफ़ी फूले फूले बने हैं, हमने इसमें सोडा ऐड किया है इसलिए, और ये अंदर से भी बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। तो इस तरह से इसे पलट पलट के हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये अब हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वड़े को निकाल लिया है स्ट्रेनर पे। तो इस तरह से मैंने ये सारे वड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं अब इनके सर्विंग के प्रोसेस में। तो ये सर्विंग डिश में मैं ये गर्मा गर्म वड़े को सर्व कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमने बहुत सारे फ्लेवर्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ऑसम आता है। आपके बच्चे तो एकदम खुशी हो जाएंगे। टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ इसे आप गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।